डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्वेल्थ फिजिक्स में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि हम लोग पिछले दिन बताए थे आपको वक्रता केंद्र के बारे में, ध्रुव के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, है ना। तो ये एक छोटा छोटा टॉपिक से है जिसको हम लोग परिभाषा के तौर पे सीखेंगे। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण के क्या प्रकार है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। टॉपिक बना लेंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो, गोलीय दर्पण संबंधी, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, ये हम लोगों का टॉपिक्स हो गया। ठीक है, ये टॉपिक्स है। अब इस टॉपिक्स के अंतर्गत छोटा छोटा पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले छोटा पॉइंट है जिसको हम लोग ए नंबर में लिखेंगे, वक्रता केंद्र के सामने एरो देंगे। यानी कि बोला गया कि गोलीय दर्पण, हर एक दर्पण में वक्रता केंद्र होता है। यानी जो जो हम लोग इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, हर दर्पण में वो होता है। जैसे वक्रता केंद्र हर दर्पण में होगा, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, कोई भी दर्पण हो, हम लोग वक्रता केंद्र का बारे में जानेंगे, वक्रता केंद्र को देखेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है इसके बारे में, यानी कि गोलीय दर्पण संबंधी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इस गोलीय दर्पण में ही ये सभी चीज़ें पाई जाती है। तो वक्रता केंद्र का डेफिनेशन लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कॉमा उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं भाई, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, है ना बात, कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो वक्रता केंद्र का मतलब सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण का मतलब क्या है, एक खोखला गोला होता है, उसका बीच में अगर केंद्र रहेगा, अगर यहाँ पे केंद्र को ओ नहीं मानकर सी मान सकते हैं, ठीक है, सेंटर। अब इसको हम लोग अगर आधा आधा बांटेंगे तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक ये मिलेगा, ठीक है, और एक ये मिलेगा ना, दोनों तरफ का मिलेगा। अगर अंदर वाला पेंट करते हैं तो उत्तल, और बाहर वाला सतह को पेंट करते हैं अवतल। ठीक है, अब इसका अगर जैसे मान लिया कि इतना पे अगर हम काटे हैं तो इसका बीच वाला सेंटर तो यही बन रहा है, तो इसका मान लिया जाए कि बीच वाला सेंटर ये है, तब हम इसको बोलते हैं दोस्तों ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों जब इधर वाला अगर छुपाएंगे एक भाग को, तो इसका भी एक सेंटर बनेगा, यानी कि इसका एक सेंटर बनेगा, जैसे मान लिया सी यहाँ पे सेंटर बन रहा होगा, तब हम इसको बोलेंगे
कि ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये हो गया उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो वक्रता केंद्र का मतलब सीधा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोला का, हो सकता है कि इसके बड़ा गोला हो, इससे छोटा गोला हो, तो जिस किसी भी गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी पॉइंट नंबर ये था, यानी कि वक्रता केंद्र का परिभाषा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र को मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम लोग देख रहे हैं ध्रुव के बारे में, यानी कि पोल किसको कहते हैं। तो पोल के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाए गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। फिर से मिला लेंगे, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए, हम लोग देख पाते होंगे अब कि आखिर ध्रुव किसको कहेंगे। तो हम लोग दोनों ही सिचुएशन में देखेंगे, अगर अंदर की सतह पेंट है, ठीक है, अंदर की सतह पेंट है तब हम उसका नाम क्या देंगे। तो जब अंदर की सतह पेंट है उसको हम लोग बोल देते हैं उत्तल दर्पण, और जब बाहर की सतह पेंट है, पॉलिश किया हुआ है, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, तो कोई भी दर्पण है तो इस दर्पण का यहाँ से लेकर यहीं तक ना परावर्तक सतह हुआ, यानी कि कोई भी किरण को यहाँ तक डालेंगे तभी ना यहाँ से परावर्तित होगा। क्या यहाँ से कोई किरणों को डालेंगे तो परावर्तित होगा? नहीं होगा, क्योंकि दर्पण से नहीं टकरा रहा है। तो कोई भी किरणें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का किरणों को परावर्तित करेगा, क्योंकि यहीं से यहीं तक को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब कि जितना उसका भाग होगा, गोलीय दर्पण के टोटल भाग को ही हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। यानी कि कुल भाग इस दर्पण का यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो हम परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। अब ये परावर्तक सतह हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अपने खुद से मतलब एज्यूम करना है कि ये दोनों का, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि बीचों बीच पार्ट कौन होगा। तो अपने से अंदाज से, यानी कि लगभग में देख लेना है कि इसके और इसके बीचों बीच यहाँ आ रहा है। ठीक है, तब हम इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों को ध्रुव। और दोस्तों, ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट को हम पी बोल देंगे। तो जहाँ कहीं भी अगर पी रहेगा वहाँ हम लोग ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि अंदर वाला सतह पॉलिश है, तो हम बोल सकते हैं
उत्तल दर्पण का ध्रुव, उत्तल दर्पण का ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका बाहरी सतह पॉलिश किया हुआ है। अब ये जो बाहरी सतह पॉलिश कर दिए हैं तो इस बाहरी वाले सतह का परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक है, और अपने से खुद अंदाज से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में सबसे मिडिल में कौन सा है, तो इस सबसे मिडिल में ये चीज़ है, इसको हम पी बोल देंगे, जिसको ध्रुव कहा जाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, ठीक है। चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग ये सीखें कि कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो अवतल हो, अगर उसके परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को अगर पता कर लेते हैं, वही हम लोगों का ध्रुव कहलाता है। और जैसा कि जानते हैं, ध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से। अगर पी कहीं भी लिख दिया जाए तो उसका ध्रुव समझना है। तो लिखिएगा, नेक्स्ट एरो देकर फिगर बना लीजिएगा, फिगर के नीचे लिखिएगा ध्रुव। ध्रुव को फिगर बनाने के बाद ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, वैसे ही वक्रता केंद्र को भी हम लोग सूचित करते हैं। तो जो फिगर बनाए थे ना, उसके नीचे अगर थोड़ा सा भी जगह होगा तो लिख दीजिएगा वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी लिखे है ना, तो ये बताता है वक्रता केंद्र को, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट, अब लिखा जाए हम लोग सी पॉइंट। सी पॉइंट में हम लोग देख पा रहे होंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। सी में क्या लिखेंगे, वक्रता, वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, क्योंकि अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं, ध्रुव के बारे में पढ़े हैं, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े हैं, तो ये सभी दर्पण में होता है, ठीक है। तो सभी दर्पण के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो वक्रता त्रिज्या के नीचे एरो दिया जाए, वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखा जाए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, अब देखिए, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे मान लिया कि ये उत्तल दर्पण हो, चाहे मान लिया अवतल दर्पण हो, ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो किसी भी दर्पण का ध्रुव, ध्रुव मतलब पी, और इसका कुछ ना कुछ तो वक्रता केंद्र होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे सी, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए दोस्तों, तब हम इसको बोलते हैं आर। आर का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता
ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो किसी भी दर्पण के ध्रुव यानी कि P और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको R से सूचित किया जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये कौन से दर्पण का वक्रता त्रिज्या है? तो उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यह एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका बाहरी सतह पॉलिश किया हुआ है। तो जिस दर्पण का बाहरी सतह पॉलिश किया हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है। अब इसका मान लीजिए अपने से लगभग में कि ये बीचों बीच पार्ट है, तो बीचों बीच को तो ध्रुव कहते हैं यानी कि पी, और इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, तो मान लीजिए सेंटर हो गया यहाँ पे सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र सी है और ध्रुव पी है तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बीच की दूरी को आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को। तो हम इसको लिखेंगे अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग सी तक के किए परिभाषा, अगला परिभाषा देखते हैं हम लोग डी, ठीक है। डी डी में है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष भी बोलते हैं या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। उसको प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, दोनों अलग-अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। अब बात किया जाए कि क्या होता है प्रधान अक्ष या फिर क्या होता है मुख्य अक्ष, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को, काल्पनिक सरल रेखा को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, सॉरी, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्रधान अक्ष किसको कहेंगे। जैसे मान लिया कि अभी हम लोग बना रहे हैं एक उत्तल दर्पण, क्यों? क्योंकि इसका अंदर वाला पॉलिश किया हुआ है। एक तरफ बनाते हैं अवतल दर्पण, ये हम लोगों को बाहर वाला पॉलिश किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है हम लोग इस दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं यानी कि पी, और सेंटर मान लिया कि यहाँ है वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र इधर होता है क्योंकि इधर से अगर गोला है तो इस गोले का भाग अवतल दर्पण के लिए तो वक्रता केंद्र यहाँ होता है, और मान लिया जाए कि पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वक्रता केंद्र यानी कि सी और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, एक लाइन खींचा जाता है, वो लाइन किससे होकर गुजरता है? तो पी और सी से होकर गुजरता है। दोस्तों आपको क्या करना है, पेंसिल से ये फिगर को ड्रॉ करना है और इंच की सहायता से बिल्कुल सीधा रेखा खींचना है,
मेरे से यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल पेन से ना खींचें, हम आपको बस समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जो डायग्राम बनाना है बिल्कुल क्लियर बनाना है, ठीक है? तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो किसी भी दर्पण का ध्रुव, ठीक है, यानी कि पी, और वक्रता केंद्र का मतलब सी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा का मतलब दोस्तों, काल्पनिक का मतलब कल्पना कर किया जा रहा है कि इससे गुजर रहे, मतलब अंदाज से बोल सकते हैं कि पी मानना है और सी मानना और उससे गुजारना है, तब हम इसको बोल सकते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। और इसको सूचित नहीं किया जाता है, सिर्फ मुख्य अक्ष को मुख्य अक्ष ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मुख्य अक्ष को किससे सूचित करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, मुख्य अक्ष को सिर्फ मुख्य अक्ष ही बोला जाता है, यहाँ पे सूचित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग सीखे कि वक्रता केंद्र इधर होता है और उसके बीच वाला क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है, उसके बीच वाला ध्रुव होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। अब ये दोनों से गुजरने वाली जो काल्पनिक सरल रेखा होगा, किससे किससे गुजरने वाली, तो सी और पी से गुजरने वाली आगे तक, यानी कि दर्पण के आर पार, तब हम इसको बोलेंगे क्या, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष किस दर्पण के लिए है, तो ये उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष, या फिर बोल सकते हैं प्रधान अक्ष। और ये किसके लिए, तो ये है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, ठीक है? तो अभी हम लोग सीखे प्रधान अक्ष के बारे में। अब लिखा जाए अगला पॉइंट ई नंबर, फोकस के बारे में, ठीक है, फोकस के बारे में। फोकस को अंग्रेजी में फोकस ही कहते हैं, ठीक है, चलिए इसके नीचे एरो देंगे फोकस के बारे में। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे, जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया यहाँ पे हम लोगों का अभी फिलहाल एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में भीतरी सतह पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, भीतरी सतह पेंट कर दिया। अब जैसा कि जानते हैं कि ये हम लोगों का पी हो गया, ये हम लोगों का सी हो गया, और इससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष, पी और सी से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि अब जब कभी भी किरणें आएंगी तो इधर से ना आएंगी, क्योंकि इधर तो पॉलिश किया हुआ है, तो जब भी किरणें आएंगी इधर से आएंगी, तभी ना इसका परावर्तन होगा, यानी कि जिधर से, जिधर बिना पॉलिश किया हुआ रहता है उधर से ही किरणें आती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फोकस को समझने के लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आना चाहिए। जैसे मान लिया कि ये 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 ये, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के सभी क्या हो रहे हैं, समानांतर किरणें आ रही है। तो मुख्य अक्ष के जब भी समानांतर किरणें आती है, तो यहाँ से अगर मान लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें ये आई, यहाँ पे टकराई
और फिर आगे ऐसे ही मुड़ गई। ठीक है, अब जैसे ही आगे मुड़ गई तो इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे मिली, और इसी को बोला जाता है फोकस, यानी कि इसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई किरणें आई और यहाँ से टकराकर यहाँ पे लौट गई। ठीक है, यहाँ पे लौट गई, यहाँ पे तो लौट गई टकराकर, लेकिन अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेगी, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ समानांतर किरणें यहाँ पे टकराई, ठीक है, दर्पण से, और यहाँ से ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो मुड़ गई तो हम लोग इसको बोलते हैं, और मुड़ने के बाद पीछे इसको बढ़ाया जाए तो जिस बिंदु पर मिलती है वो फोकस कहा जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई भी किरणें अगर यहाँ से अगर टकराई गई, टकराई तो यहाँ पे मुड़ गई। ठीक है, ये मुड़ गई टकराने के बाद, और जब इसको पीछे की ओर लिया जा रहा है तो ये फोकस पे जाकर मैच कर रहा है। तो हम लोग फोकस को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। और ये किसका फोकस हुआ? तो उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस। फिर अगर बात किया जाए कि सर अवतल दर्पण होगा तब क्या करेंगे, तो अवतल दर्पण में मान लिया जाए कि बाहरी सतह पेंट क्या रहता है, तो ये हम लोगों को अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। और इसके बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को यहाँ मान लीजिए कि वक्रता केंद्र होगा, और यहाँ मान लीजिए पी होगा, ध्रुव होगा। इससे गुजरने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। और इसमें अब किधर से किरणें आएंगी? तो बाएं तरफ से, क्योंकि परावर्तक सतह बाएं तरफ हुआ। दाएं तरफ से कोई किरणें थोड़े ना आएंगी, क्योंकि इधर तो हम लोगों को पॉलिश किया हुआ है। तो इसलिए जब भी किरणें आएंगी वो किधर से आएंगी? बाएं तरफ से। और बाएं तरफ से कंडीशन है कि कैसे आना चाहिए? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आना चाहिए। मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है, यानी कि ये तो मुख्य अक्ष हुआ ना, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसी के समानांतर ये है, ये है, ये है, बहुत सारा आप खींच सकते हैं, नो डाउट। तो ये सभी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है। ये तो मुख्य अक्ष है, ये सब किरणें आ रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। टकराने के बाद यहाँ से लौटी, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से लौटी, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से लौटी, यहाँ से लौटी। तो आपको दिख पा रहा होगा कि सभी टकराने के बाद जो लौट रही है तो एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है। यहाँ से गई किरणें, टकराने के बाद इससे गुजरी, यहाँ पे भी इसी से गुजरी, यहाँ पे भी टकराने के बाद गुजरी। तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखा जाए, इसमें लिख दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस। फिर लिखा जाए उसके नीचे एरो कि फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देख रहे थे फोकस के बारे में, फोकस को सीखे कि फोकस क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये हम लोगों का ई पॉइंट था, अगला परिभाषा है एफ। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि फोकस दूरी किसको कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, ये फोकस है और फोकस दूरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को अंग्रेजी में हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ, एलियन जीटीएच होता है लेंथ, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किसको कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो उसके नीचे एरो देंगे। लिखा जाए ध्रुव एवं फोकस के बीच ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को
गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है? गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग फोकस दूरी देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ एक उत्तल दर्पण है, दैट इज ये एक उत्तल दर्पण है, और इसमें ये हो गया हम लोगों को मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब पी और सी। यहाँ से समानांतर किरणें डाली गई, तो यहाँ से जब समानांतर किरणें डाली गई तो टकराने के बाद तो ऐसे लौटी, ये टकराने के बाद ऊपर गई क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में इधर टकराएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का सतह उभरा हुआ होता है ना, परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, तो इस पर अगर कोई किरण डालेंगे तो ऊपर की ओर परावर्तित होगी, और जब इसको हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये हम लोगों को फोकस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम लोग छोटा एफ कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, यानी कि जहाँ पे भी फोकस होगा वो फोकस फोकस और ध्रुव के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, उसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ है, फोकस दूरी छोटा एफ है, ठीक है। अगर मान लिया कि अवतल दर्पण होता, अवतल दर्पण का मतलब बाहरी सतह पेंट, तो बाहरी सतह को पेंट कर देते हैं, बीच से मेरा एक मुख्य अक्ष गुजरता जिसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, यहाँ पे पी होता, और मान लिया कि एक किरण यहाँ से जब टकराती तो टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजरती, तो इस पॉइंट से गुजर रही है, तब हम लोग इसको फोकस कह दिए, ठीक है। अगर मान लिया कि यहाँ पे समानांतर किरणें थी, अगर यहाँ से टकराई तो यहाँ लौट गई, तो ये तो फोकस हुआ ना, लेकिन इसके बीच की दूरी को एफ कहेंगे, छोटा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ है। उसके नीचे फिगर के नीचे बनाने के नीचे लिखिएगा फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। दोस्तों आज हम लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं को पढ़े, ठीक है, जितने भी परिभाषाएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।